अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस के बारे में। होम्योस्टेसिस जो है वो हमारा इंटर का चैप्टर नंबर 1 है, उसको हमने आज स्टार्ट किया है। हम लिखा हुआ है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि होम्योस्टेसिस का एक्चुअल मीनिंग होती क्या है। होम्योस्टेसिस मीन्स टू स्टे द सेम, मीन्स जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे, उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब उस चीज़ को, मतलब जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर का या हमारा जो भी हमारे हम जो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट होगा, वो अगर उसको हम मेंटेन करें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आए, कुछ भी हो, उसके हिसाब से अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, तो दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ रहे हो। मींस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विद इन द सूटेबल लिमिट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। अब एस्पेक्ट ऑफ होम्योस्टेसिस हमारे पास हैं या प्रोसेसेस ऑफ होम्योस्टेसिस हैं हमारे पास तीन तरह के। एक आ जाता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो मीन्स होता है वाटर। ऑस्मो जो वर्ड है वो ऑस्मोसिस से निकला है, ठीक है। रेगुलेशन मीन्स क्या होता है, मेंटेनेंस। द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड द गेन एंड लॉस ऑफ वाटर जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड या इज नोन एज या इज फॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। वो मैकेनिज्म या वो मेंटेनेंस या वो रेगुलेशन जिसमें हम सॉल्यूट जो भी हमारे पास होता है, मीन्स वाटर, उसकी जो भी हमारे पास सॉल्यूट है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, आयंस हैं, मिनरल्स हैं, जो भी हैं, उनकी कंसंट्रेशन में या वो लॉस हो वाटर के अंदर, उसमें लॉस आए या गेन आए, किसके बीच में, उस ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरनल एनवायरनमेंट में या उस और उसके जो आउटर, जो उसके अराउंड जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें, तो हम मीन्स क्या कहेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक्सक्रिएशन। द मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजीनियस वेस्ट इज रिफर्ड एज एक्सक्रिएशन। वो मेंटेनेंस करना, वो मैकेनिज्म जिसमें क्या हो, नाइट्रोजीनियस वेस्ट या टॉक्सिक सब्सटेंसेस या अनवांटेड सब्सटेंसेस या एक्सेस सब्सटेंसेस, वो चीज़ें जो हमारी बॉडी में ज़्यादा हैं या जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं या जो हमें एक्सक्रिएट आउट करनी है चीज़ें जो एक्सेस में हैं या वो टॉक्सिक हैं या वो अनवांटेड हैं, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर उनके एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे हम, तो हम क्या कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं कि एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो क्या हो रही है, एक्सक्रिएट आउट हो रही है कहाँ से, थ्रू आउट दी बॉडी। तीसरा है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज इज़ डेजिग्नेटेड एज थर्मो रेगुलेशन। रेगुलेशन करना, मेंटेनेंस करना, मेंटेन करना इंटरनल टेम्परेचर, किसी भी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को किसी भी एक लिमिट में, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम मेंटेन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स थर्मो रेगुलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थर्म मीन्स हीट, रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। उसके बाद है हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म, डिटेक्शन ऑफ चेंज। अगर हम क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं किसी भी चेंज को, ठीक है, एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर। पहले कोई एक चीज़ होगी जो डिटेक्ट करेगी, जो भी अगर हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है, कोई भी चेंज आ सकता है, वो क्या होगा, कोई भी एक चीज़ क्या होगी, डिटेक्ट करेगी। जब वो डिटेक्ट करेगी तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या कर रही है, रिसेप्टर काम कर रहा होता है। फिर वो सिग्नलिंग करेगी, या मतलब जो हमारा जो ब्रेन बॉक्स है उस तक वो सारी बात पहुँचेगी, जिसे कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। फिर वो कंट्रोल सेंटर जो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्लैंड या ऑर्गन, फॉर एग्जांपल फैक्टर जिसे कहा जाता है, उसके पास पहुंचेगा, उसको दिया जाएगा कि अब क्या करो, यहाँ पे ये मसला हो गया, उसको जाके क्या करो, मेंटेन करो। फीडबैक मैकेनिज्म को कहा जाता है द चेक एंड बैलेंस सिस्टम, ठीक है, कहाँ पर क्या ख़राबी आई है उसको चेक करो और उसको क्या करो, बैलेंस करो। इसे क्या कहते हैं हम, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ऐसे होता है कि अगर कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आ रहा है,
अगर उसके फेवर में काम किया जाए, उसी के फेवर में काम होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी काम हो रहा होगा, ठीक है, और उसकी नेगेटिव में काम किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि अगर एक बच्चा है वो बहुत सारी कैंडीज़ खा लेता है या कोई भी चॉकलेट्स खा लेता है, ये हमारी बुक की एग्जांपल है, ठीक है। अगर वो ऐसी कोई चीज़ें ज़्यादा स्वीट्स खा लेता है, मीठी चीज़ें खा लेता है, तो क्या होगा, उसकी ब्लड में क्या हो जाएगी, जो शुगर की लेवल होगी वो हाई हो जाएगी। तो नेगेटिव फीडबैक जो मैकेनिज्म होता है वो क्या करेगा, उस एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि कौन करेगा, इंसुलिन, हमारे पास एक हार्मोन होता है बीटा सेल्स में, वो क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा इन्हें। तो क्या होगा, हमारे जो जो ब्लड में जो शुगर की जो लेवल होगी वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, या जो मेंटेन हो जाएगी, या जितनी हमारे में होनी चाहिए वो उतनी हो जाएगी, एक्सेस जो भी होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर जो काम हो रहा था, चेंज जो हमारी बॉडी में आया था, उसकी फेवर में नहीं हुआ काम, उसके अगेंस्ट हुआ काम, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें हम, तो ऐसा होता है, जिसकी एग्जांपल है हीट शॉक। जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हीट शॉक में ऐसा होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ऑलमोस्ट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, आई मीन 106 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो उसमें क्या होता है, बॉडी का जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो हमारा जो थर्मोरेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का, उसका काम होता है कि वो क्या करे, उसे कम करे। लेकिन बॉडी टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया होता है कि जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसे हम कूलिंग प्रोसेस कहते हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर पाता। जब नहीं होता तो वो क्या होता है, फर्दर क्या करता है, उसकी टेम्परेचर को इनक्रीज़ करता जाता है, जो कि क्या है, हमारी बॉडी के लिए मोस्टली जो होता है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, और वो डेथ कॉज कर देता है। तो क्या होता है कि अगर उसकी फेवर में ही काम हो रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा ये नहीं होता कि जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो वो नुकसान ही दे। समटाइम्स उसके बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं उसके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे। हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स होता है वाटर, टॉनिक मीन्स होता है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है हमारे पास। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हम पढ़ते हैं क्या है हमारे पास डेफिनेशन, डायल्यूटेड एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन, मींस जो हमारे उसका जो आउटर जो इन्वायरमेंट होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो सेल का आउटर जो इन्वायरमेंट होगा वो हाइपोटोनिक होगा, मींस वहाँ पे क्या होगी, वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी, और जो इनसाइड द सेल क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, मींस सेल की सेल के अंदर जो होगा वो सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, और वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी। हाइपोटोनिक में इसका उल्टा होता है, आउटसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, आउटसाइड द सेल सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वाटर की कंसंट्रेशन कम, और इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी और सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो होगी वो कम होगी, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों का जो टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, आउटसाइड और इनसाइड वाटर की और सॉल्ट की कंसंट्रेशन रिमेन्स सेम, ठीक है। तो आज हमने ये थोड़ा सा रिव्यू किया है फर्स्ट चैप्टर का, अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत कुछ रहता है, वन बाय वन हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से डिस्कस करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी मेरी वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लाइक करें मेरी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है, उसे ज्वाइन करें, ग्रुप को भी ज्वाइन करें MCQ डिस्कशन के लिए। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।